जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, तब से प्रदेश एवं शहर में खाद विभाग द्वारा कई जगह पर कार्रवाई की गई। उसी के अंतर्गत गुरुवार को दोपहर 1 बजे खाद विभाग की 10 सदस्य टीम के साथ बेगम बाग स्थित रॉयल कैफे में खाद विभाग की टीम पहुंची। यहां से फीका मावा व मीठा मावा के सैंपल लिए तथा फूड इंस्पेक्टर बसंत दत्त शर्मा दुकान संचालक को निर्देश दिया गया। कहा कि साफ सफाई लाइसेंस के नियमों के तहत करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। और यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ मिली हैं, आशंका के आधार पे हम सैंपल ले रहे हैं। तो एक मीठे मावे का सैंपल और एक मावा बर्फी का हमने सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे। और खाद्य आपूर्ति विभाग को कुछ सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर भी मिले हैं जो जब्ती में ले लिए। साफ सफाई के लिए निर्देश दे दिए हैं, विक्रेता को निर्देश दे दिए हैं। अगर 15 दिन में इनसे डिक्लेरेशन लेते हैं, अगर 15 दिन के अंदर ये प्रॉपर नहीं करवा लेते हैं लाइसेंस शर्तों के अनुसार, तो उनके लाइसेंस सस्पेंड की आगे कार्रवाई करेंगे।